हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू वेलकम करती हूँ एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल में। सुबह सुबह का टाइम है, आज जो वीडियो है वो सुबह 5 बजे से शुरू कर दिया है। वैसे सुबह 4:30 बजे मैं उठ गई थी, आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि इस टाइम पर मेरी आँख खुल जाती है, गर्मियों का टाइम में खुल जाती है। मतलब सर्दियों में तो ठंड लगती है ना, तो बिल्कुल मन नहीं करता बिस्तर से निकलने का, लेकिन गर्मियों में आँख खुल जाती है क्योंकि मन रहता है कि जल्दी जल्दी सारा काम फिनिश करें, बाद में गर्मी हो जाएगी, धूप हो जाएगी। और अभी जो है बच्चे दोनों और बच्चों के पापा सोए हैं, तो मैंने सोचा है कि मैं इधर से ये जो छत है ना, इसको सारी को क्लीन कर लूँगी ये सोए रहेंगे जब तक। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये इधर उधर टहलना, ताकि थोड़ा सा मूड भी अच्छा सा हो जाए। मतलब सुबह की जो हवा होती है ना, उसको लेने का मन करता है। तो ये देखिए, ये चंदा मामा अभी भी दिख रहे हैं, और काफ़ी मतलब वो होता है ना, 4:45 बजे काफ़ी दिन निकल जाता है, काफ़ी लाइट हो जाती है, प्रकाश जो होता है ना, मतलब सनलाइट वो आनी शुरू हो जाती है। सूरज देवता नहीं दिखते, लेकिन ये देखो सबकी लाइटें जली हुई हैं, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा ये प्रकाश जो है ना, आप देख रहे हो, ऐसा कुछ होता है। तो मैंने सोचा चलो अब झाड़ू लगानी शुरू करते हैं, इतनी देर का ही टाइम होता है हम औरतों के पास, जो कि खुद के लिए थोड़ा बहुत 5 से 10 मिनट ही निकाल सकते हैं। अब सोच रही हूँ कि फटाफट से अपना काम फिनिश करूँ। तो ये देखिए, जैसे जैसे मतलब आगे झाड़ू खिसकती जाएगी ना, आप देखते जाएंगे दिन उगता जाएगा। 5:05 या 6 मिनट पर मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी थी, क्योंकि मैंने फ़ोन जब लगाया था ना, तो मैंने देखा था ये टाइम लैप्स में फ़ोन लगाया जब। और आप ये देखिए, इस टाइम पर इतनी जल्दी कितनी ज़्यादा लाइट हो जाती है चारों तरफ, एकदम ऐसे लग रहा है कि बहुत देर हो गई दिन निकले हुए। तो यहाँ पर मैं अपनी झाड़ू फिनिश करती जाऊँगी, साथ साथ आप इनकी एक्टिविटी देखना जो सोए हुए हैं। ये कभी इधर कभी उधर, एक मेरा शिवान जो है ना, वो तो जहाँ लेट गया बस वहीं लेट गया, उसको हिलने से कोई मतलब नहीं है। और नैनी और नैनी के पापा कभी इधर करवट ले रहे हैं, कभी उधर करवट ले रहे हैं, मतलब उठने का मन भी है लेकिन उठना भी नहीं है। वैसे ये उठ गए थे, ज़्यादा लेट नहीं किया था, मतलब आधे घंटे बाद में, जैसे मैंने झाड़ू लगानी शुरू की ना, उसके आधे घंटे बाद में उठ गए थे। अभी देखना आप, वीडियो में भी आपको दिख जाएगा। तो ये पूरी छत जो है ना, ये इसमें कंकड़ ही कंकड़ बहुत सारे इकट्ठे हो रखे हैं। वैसे मैंने थोड़ी बहुत शाम को भी लगाई थी, लेकिन उसमें क्या हुआ कि वो वाली फिनिशिंग नहीं आई जो मुझे चाहिए थी। तो मैंने सोचा चलो अभी सुबह सुबह फिर से लगाएंगे, तब जा करके वो वाली फिनिशिंग आएगी, जिससे मेरे को मेरी मन को संतुष्टि मिलेगी। तो जी, झाड़ू लगाने के बाद में अब अंदर का काम जो है वो करना है। पहले मैंने सबसे पहले शुरुआत ही घर के काम की बाहर से झाड़ू लगाने से हुई की थी। अभी मैं इनको, शर्मा जी को छाछ लाने के लिए बोतल पकड़ा दूंगी और फिर अंदर से क्लीनिंग करूंगी। और जब शर्मा जी वापस आए थे ना छाछ लेकर, तब तक मेरा टोटल काम सारा फिनिश हो चुका था। मतलब ये छाछ लेने गए थे और छाछ लेकर आए थे, इतनी देर में मेरा सारा काम फिनिश हो चुका था। मैं नहाने के लिए वेट कर रही थी कि ये आ जाएंगे, तो मैं नहा करके आऊँगी। तो अभी देखिए, झाड़ू लगाने के जस्ट बाद में मैंने फटाफट से पोछा लगा दिया, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? और सुबह के बजे हैं 7:07 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, काम टोटल फिनिश हो चुका है, बस खाना बनाना और नहाना बचा है, नहा के आऊँगी मैं अभी। पहले शिवांश डिमांड कर रहा है कुछ, इसकी डिमांड पूरी करनी है। तो नया व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम अर्ली मॉर्निंग से, और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि मेरा जैसे गर्मियों में सुबह सुबह कैसे क्या रूटीन रहता है जल्दी से जल्दी काम फिनिश करने का। सबका रहता है ना वैसे, गर्मी के टाइम में जल्दी जल्दी काम फिनिश करें और बस अंदर बैठ जाए, कुदरत के सामने गर्मी ना लगे। ठीक है, तो शर्मा जी गए हैं छाछ लेने, मैं जब तक ब्रेकफास्ट में मीठा मीठा टेस्टी सा हलवा बना के तैयार रखती हूँ, ताकि आते ही वो भी खा लें और अभी शिवांश को भी मैं खिला दूँ। ठीक है, तो हलवा बना लेते हैं, आटे का हलवा मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आटे का ही हलवा बनाने वाली हूँ, है ना शिवांश? हैं? ये देखो, हेलो बोल दे। ये मिट्टी से खेल रहा है, मैंने सोचा चलो नहलाना तो है ही, थोड़ी देर खेलने देते हैं बच्चे को। वहां पे मिट्टी मिलती थी ना इसको, तो यहाँ पे मिट्टी मिलती नहीं है। मिलती तो क्या है कि धूप हो जाती है, लेट उठते हैं, फिर मैं बैठने नहीं देती, गर्मी लगती है ना, आज बैठने देते हैं। ठीक है, चलो हलवा बना लेते हैं।
अब मैंने नहा लिया है और आज कपड़े एकदम ऐसे पहने हैं जिनसे कि बिल्कुल भी गर्मी ना लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उमस वाली गर्मी हो रखी है। 48 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, तो इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पर है। तो मैंने गर्मी के अकॉर्डिंग ही अपने आप को कि हाँ ज़्यादा गर्मी लगती है ना, तो ये भी हो जाते हैं दाने दाने से नेक के ऊपर। तो यहाँ पर सब्जी बनाने वाली हूँ ग्वारफली की। ग्वारफली के लिए मैंने ग्वारफली को काट कर रख लिया था पहले ही, लहसुन छील कर रख लिया है, प्याज कट कर रही हूँ, टमाटर कट कर रही हूँ, और ज़्यादा नहीं 8:30 9 का टाइम हुआ है। इसी टाइम पर सब्जी में तड़का लगा रही हूँ। शर्मा जी जो हैं वो अभी उनके पीछे पड़े हैं, हम हैं भी बच्चे भी, कि जल्दी से नहा करके आओ ताकि काम फिनिश हो, लेकिन वो बस आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्जी में तड़का लगा दिया, जीरा डाल दिया, प्याज डाल दी है, अभी गए फटाफट से टमाटर। अब इसमें बस नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर मैं ज़रूर डालती हूँ इस सब्जी में वो, और ये लहसुन का जो हमने वो मतलब छील कर रखा था ना उसका पेस्ट। तो यहाँ पर ये सारी ग्वारफली, और इसमें लाल मिर्ची मैं डालती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर सब्जियों में लाल मिर्ची नहीं डालती हूँ। तो ये अपनी सब्जी में तड़का लग चुका है। फटाफट से रोटियां सेकेंगे और अपना ये जो गर्मी का जो काम है ना, गर्मियों के टाइम का ये काम फिनिश करेंगे, मतलब के 9 बजे तक, 9:15 बजे तक मेरा सारा काम फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में आराम से बैठ करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करूँगी, जो मेरे वीडियो बन जाते हैं उनको मैं एडिट करूँगी, ये मेरा काम होता है। तो यहाँ पर देखिए रोटियाँ सेकनी शुरू कर दी है, और अभी मतलब ज़्यादा गर्मी है ना तो मैं इनको जो कैसरोल होता है ना, कैसरोल में नहीं रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे बाद में हम लोगों को खा ही लेना है। बस शर्मा जी जो हैं वो थोड़ा सा नहा धो करके पूजा पाठ वो भी करेंगे, मैंने कर लिया एक बार, लेकिन उनका अलग होता है, वो करेंगे ना फिर उसके बाद में बस खाना खाना है। तो मैं इनको यहीं पर फॉइल में ही लपेट करके और रख दूंगी, क्योंकि कैसरोल में मुझे ना आजकल के टाइम में एक अलग सी ही गर्मी के अंदर बहुत अलग सी लगती हैं रोटियां, इसलिए मैं नहीं रखती हूँ कैसरोल में। लो जी खाना वाना बन चुका है और लाइट चली गई, पता है लाइट चली जाए जब आप खाना बना के बाहर निकलो और लाइट चली जाए कितना गुस्सा आता है ना। अब लाइट चली गई, पंखा चल रहा है, बस पंखे में ना वो बात नहीं होती जो कूलर में होती है। और मैंने ना एक एक बाल चिपका रखा है, एक एक बाल, मतलब देखो सारे, ये एक भी बाल टच होता है ना बहुत भयंकर वाली गर्मी लगती है। गर्मी में धूप ना हो ये तो इम्पॉसिबल है। गर्मी में तो धूप होएगी उल्लू। तो जी अब खाना वाना बनाया है, अब थोड़ी देर में खाना वाना खाएंगे। खाना और वाना वो होता था ना जब हिंदी में पढ़ते थे, जब ये एग्जाम तो देते थे, मेरे को जब भी ये वाना मुंह से निकलता है तो वो वर्ड याद आते हैं हिंदी के जो टीचर थे ना, खाना वाना, पानी वानी, इस टाइप से, मतलब पता नहीं क्या चीज़ थी वो बोलते थे। ठीक है तो जी अब बस खाना पीना होगा और फिर उसके बाद में फुल लंबी रेस्ट, मतलब के गर्मी खा के रोटी छाए और फिर गर्मी के टाइम में दोपहर में जो नींद आती है ना, बस क्या बताऊँ। मजा आ जाता वो भी है। कूलर की हवा के सामने, नहीं हाँ कूलर की हवा में, मतलब वो एसी की अपनी, पंखे की हवा के सामने। पंखा तो गरम गरम देता है, एसी की अपनी औकात नहीं है, कूलर जो है वो जबरदस्त वाली ठंडी ठंडी हवा देता है। एसी से अच्छा बढ़िया लगता है कूलर, है हाँ एसी से बढ़िया, ये वाला ना ये शोर नहीं एसी करता। बढ़िया है। एसी चार एसी लगा दो पूरे में फिर खत्म, बहुत सारे एसी लगा दो पूरे में, एसी एसी। मम्मी रात को सो के उठेंगे ना और हिला ही नहीं जाएगा, ऐसी बर्फ जम जाएगी। अभी भी कहाँ हिला जाता है, अभी कितनी ठंड होती है छत पे कूलर लगाते हैं। तो जी ठीक है फिर इस वीडियो का एंड करते हैं, हम मिलेंगे एक नए मुझे अभी वीडियो के भी ठंड साथ लग में। रही है लगली ठंड और मजा मुझे ले, तो एकदम ठंड लग रही है, मैं तो बर्फ बन गया। इस ये है ना ये पूरे दिन ऐसे लटकता है, सच बता रही हूँ, ये दिन में 5-6 बार तो गिरता है और ऐसे लटकता है, हर बार मेरे से डांट भी खाता है। अभी अगर मैं आप लोगों से बात नहीं कर रही हूँ, दिन में इसको एक थप्पड़ तो लगा ही देती चनपट खींच के। देखो कहाँ बैठा है, देखो चनपट देख कहाँ बैठा है, चनपट गिर जाएगा, खड़ा हो वहां से, चनपट से बाय करो सबको, बाय बाय, बाय। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, बाय। टेक केयर। और नैनी के पापा और शिवांश के पापा को आज हमने घर से निकाल दिया है ना। शिवांश क्यों निकाल दिया पापा को बताना, क्योंकि वो राखी नहीं आते। हाँ वो सुबह हम सब 7 बजे नहा लिए थे, हमने कहा था जल्दी आप नहा लो, वो नहा के नहीं आए टाइम पे, तो हमने उनको घर से निकाल दिया है ना। हम तीनों हैं
और तीनों क्या करेंगे, मौज। पापा को बाहर निकाल के हम मौज आज करेंगे पार्टी, आज करेंगे पार्टी। ठीक है, इस पापा के सामने अच्छी लगती पार्टी, तुझे ऐसे मजा नहीं आता।